कोरोना काल में सोमवार से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 11 बजे और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर परिसर में एंट्री मिलेगी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, मानसून सत्र में होगी सार्थक चर्चा, सभी सदस्यों के मौजूद रहने की उम्मीद। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, कोरोना, भारत चीन सीमा तनाव, गिरती जीडीपी, कृषि अध्यादेश, नई शिक्षा नीति समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। 14 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का मानसून सत्र, जीएसटी, कोरोना और नई शिक्षा नीति पर हो सकती है सदन में चर्चा। कोरोना की वजह से सिर्फ एक दिन का होगा विधानसभा का सत्र। देश में 47,54,357 कोरोना के मरीज, 9,73,175 कोरोना के एक्टिव केस, अभी तक 37,02,596 कोरोना मरीज ठीक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का ग्रामीण क्षेत्रों में फौरन न्याय दिलाने के लिए बड़ा आदेश, प्रदेश में 7 ग्राम न्यायालय और विलेज कोर्ट स्थापित करने के आदेश। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का शिरोमणि अकाली दल पर बड़ा निशाना, बोले, क्या केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ संसद में वोटिंग के लिए तैयार है अकाली दल? बोले, अगर किसानों का हितैषी है अकाली दल तो किसान विरोधी अध्यादेश को लेकर छोड़े केंद्र का साथ और साबित करे अपनी ईमानदारी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान की पंजाब के सभी सांसदों से अपील, बोले, केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब के सभी सांसद एकजुट होकर करें विरोध में वोटिंग। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साधा महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, बोले, अभिनेत्री कंगना रनौत की संपत्ति की महाराष्ट्र सरकार ने की है तोड़फोड़, कीमत की वसूली भी महाराष्ट्र सरकार से हो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा, बोले, कृषि अध्यादेशों पर किसानों से बातचीत के लिए बनाई गई कमेटी सिर्फ दिखावा। हुड्डा ने कहा, इनके पास न कोई संवैधानिक शक्ति न राजनीतिक इच्छा शक्ति। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश में लाभार्थियों को मिल रहा है बेटी है अनमोल योजना का फायदा। निर्धन परिवार में जन्मी 2 बेटियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दे रही है सरकार। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, बरामद किए हथियार और गोला बारूद की खेप, 3 चीनी पिस्तौल, 6 मैगजीन, 70 पिस्टल, हैंड ग्रेनेड मिले। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिली अभिनेत्री कंगना रनौत, बोली, मैंने अपने साथ हुए अन्याय पर की बात, न्याय की मांग की।